बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 25 मई को दो अहम वाकयात हो रहे हैं। दोहा में IMF पाकिस्तान के साथ तआवुन करने या ना करने का फैसला करेगा और इस्लामाबाद में इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, वो धरना भी देंगे। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। हम जितनी भी देर हम वहां रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबली डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट। ये हमारी डिमांड है, इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। इमरान खान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज को न्यूट्रल रहने का मशवरा भी दिया, लेकिन ये कल से पहले न्यूट्रल को जानवर कहा करते थे। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। हम अच्छाई का साथ दे, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं पटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इस पर। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आजादी के लिए है। दूसरी तरफ हुकूमत ने असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने और इमरान खान के दबाव में ना आने का फैसला कर लिया। यह फैसला कल आसिफ अली जरदारी ने किया था और आज मियां नवाज शरीफ ने भी इसकी तौसीक कर दी। वज़ीर दाखला ने भी इस सिलसिले में एक वार्निंग दे दी। ये इत्तेहादी हुकूमत है, बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिलके करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाल्लाह तआला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। ये लॉन्ग मार्च सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या फिर धरना होगा, और अगर ये धरना होगा तो ये कितना अरसा चलेगा? इस्लामाबाद में आने की कॉल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब के लिए है। जो अगली हिकमत अमली हमारी कि हम यहाँ पे आएंगे, जलसा करेंगे या जुलूस करेंगे या क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह इमरान खान 3 तारीख को बताएंगे जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इत्तेहादी हुकूमत और इमरान खान दोनों मैदान में है, जीतेगा कौन ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हम जलसों में इस्तेमाल होने वाली जुबान पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा? ये इंशाल्लाह ताला 3 बजे पता चलेगा, जब सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर इमरान खान अपना अगला लायमल देंगे। ये धरना होगा या ये लॉन्ग मार्च, क्या मतलब क्या है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे? यानी अभी सरदस ये फैसला हुआ है कि सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा एक दिन का, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये फैसला होगा कि हमने धरना देना है या फिर उस दिन हमने इसको कॉल ऑफ कर देना है। नहीं, ये भी सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। ये भी आप देखेंगे, लाखों लोग होंगे। जब लाखों लोग आते हैं तो उसमें ये जो डिस्टिंक्शन होती है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इरेलेवेंट हो जाती है। ये भी आप देखेंगे इंशाल्लाह कैसे आगे बढ़ते। अच्छा, ये फरमाइए, आपने रहना श्रीनगर हाईवे पे है या फिर आप डी चौक जाना चाहते हैं, रेड जोन में जाना चाहते हैं? बात यह है कि ये मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टिंक्शन है ना कि इस जगह पे रहना है और इस जगह पे नहीं रहना, ये होती है जब 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 बंदा हो। जब लाखों लोग हो तो उसका एक सिरा कहाँ होगा, दूसरा सिरा कहाँ होगा, क्या पता। लेकिन मसला ये है कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सूबों से, गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है, मेरा ख्याल है किसी और के साथ उन्होंने मिलकर यह फैसला किया है कि यह धरना नहीं हो सकेगा और शायद आप लोगों की गिरफ्तारियां भी हो जाए, तो फिर कैसे पहुंचेंगे लोग यहाँ? तो मेन इशू है, आप धरने की नाकामी की डेफिनेशन क्या है? धरने की डेफिनेशन कामयाबी नाकामी की यह है इनके नजदीक के लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाए, यहां पहुंच ना सके, चीजें ना हो सके। मुझे आप बताइए, इस जो सोसाइटी में और हमारी जो सियासत है उसमें तकसीम बढ़ती है या कम होती है? इससे तकसीम बढ़ती है। तो जब आप सोल्यूशन नहीं कर सकते जब आप चीजों का, और जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उसके नतीजे में तो सोल्यूशन तो नहीं आएगा, उससे तो मसला जो है वो और कम। और ये फरमाइए सर, ये 25 मई को क्यों? क्योंकि उस दिन IMF ने फैसला करना है कि उसने जो पैकेज है पाकिस्तान का उसे रिवाइज करना है, उसे रिकनेक्ट करना है या फिर नहीं करना। वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की माशी लिहाज से, पाकिस्तान के लिए वो। और दूसरा, ये जो आपने फरमाया कि 3 जून और 25 मई के दरमियान कोई गैप है
और अगला लाए अमल का ऐलान 3 जून को करेंगे। 3 जून इमरान खान साहब के लिए इतना अहम क्यों है और दरमियान में के इतना क्वेश्चन क्यों है और ये 25 मई का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अभी ये शुरू होगा ना जी, तो पूरी एक हफ्ते की जो एक पैनिक है वो इंशाल्लाह ताला वहां पे आएगी और फिर ये पूरा प्रोसेस है। हमने उस वक्त तक नहीं उठना क्योंकि हुकूमत जो है ये खत्म नहीं होती और इस हुकूमत का ये जो 25 का आप IMF की बात कर रहे हैं, IMF तो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। IMF ने पहले ही बता दिया है कि वो इस हुकूमत के साथ और किसी तरीके से भी ऐसे केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ जो है वो नहीं चाहिए और वो उसके अलावा जो है वो एक पॉलिटिकल जो उनका एक स्टेबिलिटी है उसके बगैर वो आगे नहीं पढ़ेंगे। वो IMF पहले इस मामले में वाजिब। लेकिन फिर वो IMF मुज़ाकरात क्यों कर रहा है गवर्नमेंट के साथ? अगर ऐसा सिलसिला होता तो आज वजीर दाखिला दोहा ना जाते और ये मुज़ाकरात ना चल रहे होते। सर ये वो उनकी जो मुज़ाकरात है वो वजीर खजाना पहले से शेड्यूल है और उन्होंने अपनी शरायत बतानी और उनमें जो सियासी इस्तेहकाम है वो एक अहम शर्त। अच्छा, वैसे उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब ने वजीर खजाना ने आज भी कहा है कि आपकी वजह से यहां मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें दोहा जाना पड़ रहा है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। जब से मिफ्ता इस्माइल आए हैं पाकिस्तान में तो लग रहा है कि कोई खुदा ना खास्ता कुछ जो उतर आया है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। ना इनको समझ है ना इनको पता है इन्होंने करना क्या है। ये तो एक बिल्कुल आप समझिए कि एक यूं लगता है कि एक जिस तरह से लकड़ी को कीड़ा खा जाता है चंद दिनों में, ये कीड़ा लग गया है पाकिस्तान की मईशत को जो अच्छी खासी चल रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि आपका मुतालबा क्या है? आप ये चाहते हैं कि इमीडिएटली ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए और अगले इलेक्शन का ऐलान हो जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट बने और वो अगला इलेक्शन कर दे, या फिर यही गवर्नमेंट बैठी रहे लेकिन इलेक्शन की डेट दे दे? देखिए, मुतालबा तो इलेक्शन है ना। आप देखिए इस वक्त नंबर भी अगर आप देखें, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास 173 नंबर और हमजा के पास तो उससे भी कम है। मुझे आप बताइए कि इतनी थिन मेजोरिटी एक वोट के ऊपर ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, ना सियासी इस्तेहकाम है ना कुछ है, ये कैसे करे? अच्छा, ऐसे ये PDM ने आज फैसला कर लिया है, कल आसिफ जरदारी ने, आज मियां नवाज़ साहब ने, इन दोनों ने ये फैसला किया है कि ये हर सूरत अगस्त 2023 तक अब गवर्नमेंट जाएगी। उससे पहले इन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई ना इलेक्शन की डेट दी जाएगी, ना ये गवर्नमेंट फारग होगी, ना असम्बलियां तोड़ी जाएंगी, तो गवर्नमेंट कमिटेड नजर आ रही है। दूसरी तरफ से आपकी तरफ से भी कमिटमेंट है, तो अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा आप दोनों का। देखिए ना, ख्वाहिश है किस तरह हो नहीं सकता, तो हालात है, इसमें सिर्फ ऑप्शन ये है कि हुकूमत जाए और नए इलेक्शन हो या फिर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो है वो उस तरह होगा। वैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि ये न्यूट्रल जो है, पहले आप कहते थे कि न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए और उनको अपने जमीर के मुताबिक फैसला करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए, हक और बातल की लड़ाई है, हक के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। आज आप उन्हें कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहें, तो ये एक महीने के अंदर जो शिफ्ट है लोगों को हजम नहीं हो रही है फवासा? नहीं, कोई नहीं, ये सिर्फ उन लोगों को हजम नहीं हो रही जिनका एनालिसिस बहुत कमजोर है। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक पस मंजर होता है। मिसाल के तौर के ऊपर जो फौजी है, हर फौजी ने अपना वोट डालना है, वो वोट उसने उसके मुताबिक जो है वो अपने जमीर के मुताबिक वोट डालना है। लेकिन अगर वो ये समझे कि जिस पार्टी को मैंने वोट डालना है मैं उसके लिए इलेक्शन रिग कर दूंगा, तो जाहिर है वो न्यूट्रलिटी नहीं है। लेकिन वोट डालना जो है वो उसका हक है। तो कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस पस मंजर में आप एक बात कर रहे हैं और उसी पस मंजर में इमरान खान ने वो बात। लेकिन देखिए, फौज जो है वो रियासी इदारा है और वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी होती है। आप जब हुकूमत थे तो फौज आपको सपोर्ट करती थी, आज एक दूसरी हुकूमत है तो वो जाहिर रियासत को गवर्न कर रही है, तो रियासी इदारों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि रियासी इदारे हुकूमत से बगावत कर दें? रियासती इदारों की फंक्शनैलिटी है कानून के अंदर, ये तो नहीं हो सकता। जिस तरह से आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर शीरी मजारी को इन्होंने अगवा किया, अब उसके लिए कानून है पूरा जिसको आपने फॉलो करना है, तो मसला वहां पे नहीं आता जहां पे आप कानून की कमांड फॉलो कर रहे हो। क्या वहां पे आता है जब कानून अपने अनाज के ऊपर और रवैयों के ऊपर? जो सर, ये पिशावर ही क्यों, लॉन्ग मार्च पिशावर से क्यों स्टार्ट हो रहा है जबकि सबसे ज्यादा वोट बैंक आपका पंजाब में है,
तो सबका ख्याल ये था कि शायद लाहौर से आप इनिशिएट करेंगे इसको, लेकिन ये अचानक जो पेशावर का आपका फैसला है इसकी समझ नहीं आ रही। ये समझ आ रही है, पिछली दफा इस तरह था कि लाहौर से शुरू किया था आजादी मार्च, और क्योंकि हम एक वफाकी पार्टी है तो हमने फैसला किया कि पिछली दफा हमने लाहौर से किया था, इस दफा हम पेशावर से करें। तो आपके पार्टिसिपेंट पूरे पाकिस्तान से आएंगे या सिर्फ पेशावर से आएंगे और पंजाब से आएंगे? नहीं, इसमें जो आएंगे तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान से, लेकिन ये जरा फोकस जो है ये इस पे है, केपी पे और पंजाब पे, और जो कराची है और कराची का अपना एक बहुत बड़ा जो है वो होने जा रहा है, बाकी शहरों का अपना होने का। तो अगर आपको रोका गया तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? इतने लाखों लोगों को कोई नहीं रोक सकता, रोक के देख लें। कितने एक लाख लोग आएंगे इसमें? मेरा यह ख्याल है कि बहुत बड़ा होगा, कतार नहीं होगी, शुमार और कतार नहीं होगी। और इमरान खान साहब पेशावर से काफले के साथ आएंगे या वो पहले पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद? बस इंशाल्लाह वो देखते हैं, सारी स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते। और अगर आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उससे पहले फिर? लेकिन ये बात यह है कि कहीं पे होता है जहां पार्टी की लीडरशिप ला रही होती है, यहां पे लोग खुद नहीं कर रहे हैं, लोगों को कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई लीड करे ना करे, अरेस्ट कर लेंगे तो कर लेंगे। ठीक हो, और आपने ये स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर आला क्यादत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब और शफकत महमूद साहब, फिर इमरान इस्माइल साहब, इन सबको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है जो इसको लीड कर सकेगा इस लॉन्ग मार्च को? हर जगह पे सब्स्टिट्यूट जो है वो नॉमिनेट कर दिया है, वो उनको दे दिया है, जगह का हर एक को पता है, बाकी लोगों ने खुद आना है, कोई इसमें दो राय नहीं। आखिरी सवाल आपसे, ओन चौधरी साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब ने हमें, मुझे यानी ओन चौधरी साहब को हदायत की थी कि आपको, फवाद चौधरी साहब को नोटिफिकेशन दे के आपको फारग कर दिया जाए पार्टी से, तो ये बात कुछ दुरुस्त है या फिर आप समझते हैं कि बस ऐवें ही है? कई दफा नाराजगियां हो जाती हैं, कई दफा आना जाना लगा रहा है, आपको पता है मैं भी बातें करने के बाद दिया, तो पार्शली बात उनकी दुरुस्त है फिर। सही है जी। एचओ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक, और शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शानदाना साहब, रेड जोन के अंदर कंटेनर लग चुके हैं, किसी शख्स को डी चौक पर पहुंचने की इजाजत नहीं होगी, वाटर कैनन आ चुकी है, पूरे पाकिस्तान से पुलिस एहलकारों को यहाँ जमा कर लिया गया है, रेंजर्स आ रही हैं, गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि वो आपका रास्ता रोकेगी अगर आप श्रीनगर हाईवे से आगे गए, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी? मुझे तो फंस गए आप। शुक्रिया जावेद साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खौफ किस चीज़ का है। एक तरफ सतारा पार्टीज हैं, पाकिस्तान के 70% वोट इनको मिले ना सतारा को मिला के, और इधर एक छोटी मोटी 155 वोट वाली पार्टी, तो मतलब एमएनएस वाली अब तो खैर 155 नहीं है, 135 रह गए, सो किस काहे का डर है? दो दफा नून लीग आई, तीन दफा, दो दफा मौलाना साहब आए, दो दफा पीपल्स पार्टी आई, बल्कि जब मौलाना साहब के बंदे आए थे बहुत गलत मौसम में, ठीक ठाक ठंड थी, बीमारियां थी, हड्डियां टूट गई थी, बड़ी गर्मी में आ रहे हैं, बहुत गर्मी है। एग्जैक्टली, तो उनको तो हमने मेडिकल कैंप सब कुछ करके दिया था, ये हीट स्ट्रोक के बड़े खतरे हैं, याद तो आपने बोला वाटर कैनन, ये तो मुझे खुशी हुई, ठंडा पानी तो मिलेगा, यही लग रहा है। दूसरी बात देखें, आई थिंक जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, उनको ये सेवा नहीं देता, करें जो कर सकते हैं, बादशाह हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, बट ठीक नहीं लगता कि आप इतना, रिमेंबर दुनिया सिग्नलिंग पे बनी हुई है जी, अक्सर लोग कहते हैं शेर बन, आप अंदर से गीजड़ ही हो ना, बाहर से शेर बनना है ताकि दूसरा डरे। अगर आप पहले से हमें कह रहे हो कि हम आपसे डरे हुए हैं और हम द फेडरल गवर्नमेंट कांट मैनेज 5 or 10 lakh पीपल, What messages are giving to the world? इसमें लोग आ जाएंगे, 5 से 10 लाख बिल्कुल आएंगे, और जो उनको नहीं आने देंगे आप उनका भी फिर देख लेंगे। अगर गिरफ्तारियां हो गई, क्योंकि उस गिरफ्तारियों की लिस्ट में आप भी शामिल है, याद रखिए। मुझे पता है, मैंने अपना छोटा सा बैग बटवा बनाया हुआ है, और आपके लिए उन्होंने फीमेल कांस्टेबल्स का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ। चलो अच्छी बात है, हम भी हीरो हीरोइन बन जाएंगे फ्री में। अच्छा अफनान साहब, ये फरमाइए सर, खौफ क्या है? आप हमेशा पूरी जिंदगी आप लोगों ने एहतजाज किया, आपने जीटी रोड पे भी एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था, हर जगह पे आपने तकरीरें की, अब अगर वो तकरीर करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं, आपको इनसिक्योरिटी क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जो इनका राइट है
प्रोटेस्ट करने का या कोई जलसा करने का, वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जब से आपको पता, पिछले 40-50 दिन से हमारी गवर्नमेंट, हमने इनको कभी भी तंग नहीं किया। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जब पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 0 पॉइंट से आगे नहीं जाऊँगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपारा से आगे नहीं जाऊँगा, फिर वो आ गया या कहते हैं डी चौक के ऊपर, हालांकि उन्होंने वादा किया था कि मैं नहीं आऊँगा डी चौक पर, वो डी चौक पर आ गया। तो जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हो और फिर आपके लोग बार बार ये कह रहे हैं कि खून रेजी होगी, खून बहेगा, लोग अपने आप पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे, जब ये वाली बातें आप बार बार करेंगे, आप आवाम को उकसाएंगे, आप जो है वो स्टेट को मफलूज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर है आपको स्टेट को एक्शन तो या प्रिपरेशन तो आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। आपको याद है पिछले 3.5 सालों में मरियम साहिबा ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया, एक मार्च किया था और सारा दिन वहां पे वो बैठी नहीं और उन्होंने तकरीर की। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो नैब के दफ्तर में गए और वहां पर जब गए तो उनके साथ उनके कारकुन भी गए और वहां पर ठीक ठाक पुलिस के साथ हाथापाई हुई थी। जो चीज आपके लिए जायज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जायज है, इनके लिए नाजायज कैसे हो सकते? देखिए, हमने बहुत दफा इस्लामाबाद की तरफ मार्च की लेकिन हम कभी भी डी चौक में घुस के हमने पीटीवी के उस पर हमला करके या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है अपने गंदे कपड़े तो नहीं टांगे ना। बात यह है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो बोलता है। हमने जो है वो हमारी जब गवर्नमेंट थी तो इनकी गवर्नमेंट आई, हमें इलेक्शन के ऊपर बड़ा एतराज था, हमने फिर भी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर की, लेकिन इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले मामले में फासिज्म दिखाई। इमरान खान साहब ने यह कहते हैं ओथ टेकिंग के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है हवा में उड़ा दिया, जो है अभी तक पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको क्या कहते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करें। तो देखें, ये नहीं हो सकता कि जहां आपको डेमोक्रेसी सूट करे आप डेमोक्रेसी आप रोकेंगे इनको। देखिए, हम उनको उस वक्त रोकेंगे अगर ये कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, कोई जो है वो कोई लोगों को उकसाएंगे गैर कानूनी काम करने पे या कोई खून रेजी कराने की कोशिश करेंगे, फिर रोकें। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं इनको घरों से भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। नहीं, देखिए, अगर ये कोई उल्टी सीधी इमरान खान साहब ने कोई मामला किया के जी, जैसे इन्होंने आपको देखिए वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर तब फैसला होगा ना कि उल्टा सीधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि मोटरवे पे कंटेनर लगा देंगे, पिशावर से बाहर नहीं आने देंगे, जो इनका लीडर पंजाब से निकलेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ये तो आपको पहले से अंदाजा हो गया कि क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, अगर देखें, अगर हमारे पास रिपोर्ट तो है, ये तो हमें मालूम है, और क्योंकि इनके लीडर ने बार बार ये वाली बात कही है कि ये खून रेजी चाहते हैं, खून बहना चाहिए, तो जाहिर है अब हम इस तरह तो नहीं अलाउ कर सकते कि एक ग्रुप ऑफ पीपल वो आके यहाँ पे वायलेंस करना शुरू कर। शानदार साहब, देखिए पाकिस्तान के हालात इस किस्म के, आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, उधर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुजाकरात हो रहे हैं, 25 तारीख को उन्होंने फाइनल करना है कि पाकिस्तान के साथ पैकेज को रीविजिट करना है या नहीं करना, रिकनेक्ट होना नहीं होना, और दूसरी तरफ आप धरना देंगे, तो ये इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। जावेद साहब कहते हैं आपकी हंसी निकली, जान की अमान पाऊं तो देखे, ये आयरोनिक नहीं है, खान गवर्नमेंट में तो इकोनॉमी खराब है, जो अभी इनके हाथ में है नेशनल अकाउंट्स कमेटी, उसने बोला ऐसे कोई बात नहीं है, 5.9% जीडीपी था। इमरान खान गवर्नमेंट से बाहर है तो वो इकोनॉमी खराब करे, भाई मेक अप योर माइंड, या तो वो इतना सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान है कि वो जहां जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस होगी, तो फिर मान ले। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता। कल मैं एक एमपीए साहब हैं सिंध के, बहुत सादे से हैं, कहते हैं जी एक्चुअली हम बड़ी मजबूरी से हुकूमत में आए हैं, बड़ी मजबूरी से हमने मिनिस्ट्रियां ली हैं, क्योंकि देखे ना पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, तो वो होस्ट उनके कहते हैं सर दिवालिया हो रहा था कि हो रहा है, गल उधर ही मुक गई। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, देखें एक हद तक गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। माजरत से इनको पूरे नून लीग में काबिल लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वतन दोस्त लोग हैं, उनमें से माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर वो रखा है जिसके बारे में आबिद शरीफ के वालिद साहब ने कहा था कि ये कातिल है, तो फिर तो गली मुक गई ना। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, जुडिशियरी इनके पास है, इंस्टीट्यूशंस इनके पास है, गवर्नमेंट में है ना, ये जो करना चाहे हम कुछ कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं। आप तो ब्यूरोक्रेसी को भी कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का साथ ना दें, आप पुलिस को भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का साथ ना दें और अगर दिया तो हम आपसे इंतकाम लेंगे। नहीं नहीं नहीं, साथ आप फौज को भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल आपने रहना, तो न्यूट्रल रहे आप। अच्छा देखिए, खान साहब की स्पीच जरा दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने दो दफा देखी ये, मैं आपको बता सकती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी आधी फैमिली फौज में रह चुकी है, फौज पाकिस्तान में, अवाम और फौज एक ही चीज है, मैं 10 दफा कह चुकी हूँ, कभी भी फौज निहत्ते लोगों पे हाथ नहीं उठाएगी, पाकिस्तानियों पे नहीं उठाएगी, उनका ये काम नहीं है। पंजाब पुलिस का मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि माशाल्लाह शरीन मजारी पे जो उन्होंने 1972 का उनके वालिद पे एफआईआर कटा था, वो एंटी करप्शन वाले 2022 में आते हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं कि जब 6 साल की थी तो आपके बाबा ने यह जुल्म किया था। सो वहां उनकी उम्र 20 साल थी, वैसे चलो 20 होगी ना, बट उसके वालिद का केस था ना, तो कार्टूनिस्तान है कि नहीं कि 50 साल बाद अपने केस खोल दिया।
देखिए आप जो करना करें कानून और आईन के हदूद में करें, हमें तो असेंबली असेंबली और आईन आईन का लेक्चर मिलता है, आपने क्या किया? अच्छा वारंट नहीं है, वो फॉर्मर ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है, इतनी तो तमीज होती कि मैम आप जरा बैठे हम दो मिनट में लेके आते आप हमारे साथ चलिएगा, ये तो दिन दहाड़े आपने लोगों को अगवा, वो जो कहती है उनकी बेटी गलत हुआ है, खवातीन का एहतराम पाकिस्तान में होना चाहिए हर सूरत में, और जुर्म में फर्क है, और अगर फर्ज करें उनको नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के उनको गिरफ्तार किया गया, गलत नहीं होना चाहिए, तो किया नहीं था, गायब कर दिया। अब सवाल ये है कि जो मरियम साहिबा के बारे में इमरान खान साहब ने कहा, वो भी तो खातून है ना जी, जो उनके बारे में स्टेज पे खड़े हो कि एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ड्रिल लीडर ने, एक दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपकी बड़ी होगी, इनकी चलें छोटी सी, लेकिन वो एक खातून है, एक सियासतदान खातून है जो बाहर आके बात कर रही है, तो आपने जो उनके बारे में कलमात कहे, क्या वो कोई शरीफ आदमी सुन सकता है? वैसे जावेद साहब पश्चों में एक जरूर मसले कि जब ऊंटों से दोस्ती करते हो ना तो घर के दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं। नहीं अगेन खवातीन को साइड पर रखें, खवातीन की बात ही करी मैं, इसलिए कह रही हूँ कि जरा सुन ले आराम से जवाब, यू कैन डिसएग्री। मैं भी खातून हूँ ना, 3.5 साल से नोटनी के और पीपल्स पार्टी के मुझे जितना ट्रोल फेसबुक पे करते हैं और जितना ट्विटर पे करते हैं, मैंने हर टीवी शो पे बात कही है आज, मैं लॉजिस में रहती हूँ, मैं एमएनए थी और इन गुनाहगार आंखों ने बहुत कुछ देखा है, मैंने आज तक किसी की पगड़ी नहीं उछाली, मेरा क्या काम है, सबका अपने अल्लाह से है, लेकिन ये मना नहीं होते थे, इतनी गलत बातें मैं चुप कर जाती थी। मैं अगर बेशक पब्लिक फिगर हूँ, पॉलिटिक्स लीडर ने कहा है आपको कभी नून लीग के किसी लीडर, मैं बस अब नाम ना लूं, कोई भी बताएं, ये पगड़ी उछालने वाली बात मैं नहीं करना चाहती, शहबाज शरीफ साहब की तरफ, मरियम साहिबा की तरफ, मैं ये बातें नहीं करना चाहती, उसके बाद के लीडर, उसके बाद लीडर, वो चौथे टियर के लोग, मेरे बारे में बातें इस तरह नहीं हुई, मुझे ट्रोल्स ने किया, लेकिन मलिका के बारे में हुई है, कवर शौजब के बारे में, जरताज के बारे में, वो तो ओपनली हुई, ना गंदी बातें हुई, ये जेयूआईएफ का बंदा है अहमदुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो कहा जरताज के बारे में, आप क्लिप देख, नहीं उसका जवाब आपने मरियम साहब को देना, नहीं नहीं आप मेरी बात तो पूरी सुने ना, अच्छा हम साहब के साथ हो रहा है, फिर तकरीबन 3 साल से 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां शरीफ साहब, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, उनकी बेटी तकरीबन 300 दफा बिटवीन द 3 ऑफ देम खान साहब की अहलिया पे कीचड़ उछाड़ते, जादू गोश्त जुलाते, नहीं नहीं मैं आपको ये कह रही हूँ, देखिए याद रखिए ये जो आपका कल्चर है ना जावेद साहब, यहाँ पे आपको एक हद तक ही जा सकते, इट इज नॉट यूएसए यूके कि क्वीन को कोई गाली दे और हम हंसे, मेरी बीवी को कोई एक दफा गाली देगा, मेरे बेटे को कोई दूसरी दफा देगा, सास को तीसरी दफा देगा, चौथी दफा चपेड़ पड़ती है इस मुल्क में, आपको पता है यहाँ पे जंगल का राज है, तमीज तो यहाँ है नहीं, आप जब 100 दफा एक गलती करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक नुकता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप मरियम साहिबा ने खातून है, आप उनको करप्ट कहते रहे, किसी ने कभी कोई एतराज नहीं किया, वो खान साहब ये कहते हैं उनके बारे में जो बातें जिन्होंने की, मरियम बीबी के बारे में कहा है वो हमने कभी कहा है, कभी हमने नहीं कहा, उन्होंने जो कहा शर्मिला फारूक के बारे में हमने कहा है, उन्होंने जो बीबी शकील के बारे में कहा हमने कहा है, जो इमरान खान ने आपका मुकाबला फिर उन लोगों के साथ, हमारे किसी से मुकाबला नहीं, ये कीचड़ है, इमरान खान ने जो बातें की हैं वो भी पाकिस्तानी तारीख में किसी ने इतने बड़े जलसे में नहीं की किसी भी औरत के बारे में, और जहां तक बात रहेगी बुशरा बीबी की, उनके 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 ऊपर जो बातें की गई है वो उनका एक प्रोग्राम है, पब्लिश्ड है, जिसके अंदर उन्होंने इस तरह की खुद बातें की हैं, तो आप उसको लेके और उसको और किसी की क्या कहते हैं आप, मतलब कि किसी और मामले के अंदर आप इतनी ज्यादा गिरी हुई, इमरान खान ने उस दिन बात की है कि मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह इस लेवल पे कोई और गिरा होगा, और उसको फिर मजीद जस्टिफाई करना, तो मेरा ख्याल है बहुत अफसोस की बात है, कहते आप लोगों की तरफ ना पीडीएम है सारे नून लीग की तरफ तो नहीं है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो जलसा था उनसे पहले जब मौलाना सोमरो साहब ने कहा इमरान खान साहब के बारे में, सर मैं कहता हूँ नकाबले बर्दाश्त है सर, इस चीज को रोकें कम से कम, आप सियासत करें, सियासत करें, लेकिन इस हद तक चले जाना किसी भी खातून बर्दाश्त है, किसी खातून की इज्जत जो है उसको, मतलब देखिए अगर किसी ने करप्शन किया तो आप बात कर सकते हैं, किसी ने अगर मतलब जादू वगैरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की वो क्या, लेकिन आप जो इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किए इस लाइन पे अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा तो मेरा ख्याल है गलत है। जावेद साहब आई जस्ट नीड अ मोमेंट, जी जी कर ले, मैं ये कह रहा हूँ कि देखे खाली ये नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि जी वो एक दिन भी नहीं उन चंद घंटे के लिए श्री मदारी साहिबा कहीं, मरियम नवाज को मियां मोहम्मद नवाशी साहब के सामने अरेस्ट किया गया, ठीक है ना, हमजा शहबाज को जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, हमारे पता नहीं कितने लीडरान को जेल में डाला गया, आप तो उस वक्त मजाक उड़ाते थे हमारा, आप तो कहते थे इनका एसी बंद कर दो, इनका पंखा बंद कर दो, आपने राणा सनाउल्लाह पे झूठा केस बना दिया नारकोटिक्स का, तो आप आज जो है वो आपको कुछ कहा भी नहीं है, हमने तो आपसे वैसे तिल मिला रहे हैं, वैसे ब्रेक लेनी है शानदाना साहबा, लेकिन सारी चीजें भी अगर माफ कर दी जाए, इग्नोर कर दी जाए, जो राणा सनाउल्लाह के साथ जो हीरोइन का केस बना है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीन। ये फरमाइए शांताना साहबा कि अगर गवर्नमेंट आपको रोक देती है, जो बड़ा ज्यादा इस वक्त चांस महसूस हो रहा है क्योंकि इन्होंने मुकम्मल फैसला कर लिया सारी पार्टीज ने मिलके, और अब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दरमियान का किरदार भी अदा किया, इन्होंने उनसे भी पूछ लिया जिनके बारे में इनको खदशा था कि वो पता नहीं क्या करते हैं, तो जब ये फैसला हो गया स्टेट साथ गवर्नमेंट का एक कोलिशन गवर्नमेंट जिससे सबने ये फैसला कर लिया कि इन्होंने आपको अब मजीद स्पेस नहीं देनी, तो अगर ये रोक लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लाया अमल? एक इलीगल, एक इमोरल साथ सतारा जमातों का गठजोड़ है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस उनको मानते हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जावेद साहब, सिवाय द राइट टू प्रोटेस्ट जो हमें आईन ने भी दिया है, पाकिस्तान पीरियल कोड ने भी दिया है, सीआरपीसी ने भी दिया है, सीपीसी में हमें वो आईन का हक है, ये जो आगे करें कि हाथ आजाद है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दो तीन बातें, सेनेटर साहब मेरे कॉलीग हैं, इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन ये बहुत मासूम भी है, मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट पर किसने अटैक किया था? मियाँ साहब के ऑर्डर्स पे, अल्लाह उनको बख्शे, तारिक अजीज साहब, वो भूल गए तब तो ये इंटरनेट भी से, मैं छोटी सी थी और मैं वो देख रही थी, शॉक में थी, और दे वर ग्लोटिंग कि हमने कितना बड़ा मार्का कर दिया सर, खुदा का वास्ता, हिस्ट्री सबको पता है। दूसरी बात, पीली टैक्सी किसने कहा था और किसको कहा था? किसी को नहीं याद, पांच पहले पीटीआई की लीडर कह चुके हैं यही वाली बात, वो किस पार्टी में? अभी आपको दूंगा, किस पार्टी में थे? पीटीआई में नहीं, अब नहीं, जब उस जब वो कहां थे जब उन्होंने, शेख रशीद ने काम उसे मेरे को दुनिया के कामरान शायद सुने मेरी बात, अपनी गवर्नमेंट में शामिल कर रहे थे, उसने नहीं सोचा, मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता हूँ, छोड़े सारी बातों को, शेख रशीद ने कामरान शायद के प्रोग्राम में बैठ के रेहम खान के बारे में इतनी घटिया बातें की है लाइव के वो आप किसी से मुकाबला कर ही नहीं सकते, और किसी ने आज तक उसे पूछा भी नहीं है, तो आप शेख रशीद की चीजें हम पे ना डालें। मैं बात पूरी कर लूं, मैं किसी की बात आप पे नहीं डाली, पर्सनली मत लें इसको। लेकिन देखिए राणा सनाउल्ला साहब ने भी बुशा बीबी के बारे में जो गुफ्तगू की, बिलावल साहब के बारे में भी जो उन्होंने बात की, शर्मिला फारूकी के बारे में, मरियम नवाज के बारे में क्या कहा, जो राणा के ऊपर केस बना हीरोइन का वो उस पर प्रोटेस्ट है, लेकिन जो उन्होंने माजी में कहा उसमें भी प्रोटेस्ट है, लिहाजा माजी जो ना आपका भी नंगा है, और ये जो नई हमारे लीडर ने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की, मुझे आप नवाज शरीफ की एक ऑडियो अल्लाह के पास है, और उसने क्या कहा उसके बारे में, इनके पार्टनर से जेआईएफ वाले हमारे में डाले, वो एक अलहदा पीडीएम का हिस्सा है, वो आप शेख रशीद का नहीं ले रहे, हम पे भी उनका डाल रहे हैं, कहते हैं जो आपके साथ बैठा हुआ है, शेख रशीद का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, आप उठा के देखिए ना, रेज योर आर्गुमेंट, नॉट योर वॉइस, नहीं मैं ये कह रहा हूं, शेख रशीद का इंटरव्यू है, सुने सबसे ज्यादा तकलीफ उनको शेख रशीद साहब किस पार्टी में था जब उन्होंने कीचड़ छाड़ा, और सराना सनाउल्ला किस पार्टी में था जब बीबीपी की कीचड़ फेंकी थी, और मरियम नवाज उस नॉन पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, और शेख रशीद ने सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला जब वो पीटीआई में था, ये गन ये भी बात है, कहने सच है, से ये गन 40 साल से इस मुल्क पे औरतों में आता है, मर्दों पे नहीं आता, और आजकल इमरान खान साहब कर रहे हैं, हाई घोड़े हैं, और यहाँ पे वो कुछ भी कह दे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो अब स्टेज आ गया है कि मैं भी 3.5 साल जब भी किसी खातून पे कोई बात होती थी, कभी मरियम इस पे होती थी, औरंगजेब पे, किसी और पे, मैं हमेशा कंडेम करती थी, मुझे पार्टी से बाकायदा डांट पड़ती थी कि आप क्यों चाची बन रही है सबकी, पहली दफा मैंने कंडेम नहीं किया बिकॉज आई हैव हैड इनफ जावेद साहब, ये नहीं हो सकता कि आपकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत पानी में है, ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान की बहन पे पिछले बजट में 50 दफा आवाज उठाई गई, इमरान खान की अहलिया बजट स्पीच में उनका क्या काम है, 23 दफा नून और पीपल ने बोला, तो आप जब आग से खेलेंगे घर आप ही का जलेगा, ये मैं घर आपका भी जलेगा, खाली हमारा नहीं जलेगा, और इमरान खान को लग पता जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है, आपकी आप आग लगा रहे हैं और आप समझ रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम बड़े सही सही रहेंगे, बात यह है कि किसी पार्टी के टॉप लीडरशिप नंबर वन ने वो बकवास नहीं की जो इमरान खान ने की है, ये है बॉटम लाइन, आप किसी के ऑडियो और वीडियो निकाल के लाके दिखाएं हमें, और इमरान खान जस्टिफाई कर रहा है उसके ऊपर से, मतलब शर्म का मुकाम ये है कि चलो तुम माफी मांगो उसके ऊपर, माफी नहीं मांग रहे, उसमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वैसे देखिए हर अमल का एक रद्द अमल होता है, जब आपकी तरफ से बात होती है तो उस तरफ से भी जवाब आता है, सिर्फ इस सारे सिलसिले में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो कम अज कम खवातीन के मामले में बात नहीं करता। नहीं मैं तो बिल्कुल आप कहते हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है
कि ये जो है ये जो अभी ये वाला जो सिलसिला है, आप मुझे बताएं ना, मियां मोहम्मद नवाज साहब की कोई एक ऑडियो वीडियो नहीं जिसके अंदर कोई इस तरह की बात हो, मैं भेज दूंगी। तो ना कोई कहते शहबाज साहब, वैसे मियां नवाज साहब सामने नहीं, कोई एक भी नहीं है मुझे मालूम है। नहीं वो आपके सोशल मीडिया ने डब की होगी, कोई डबिंग नहीं है, कोई ओरिजिनल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने सारी देखी हुई है, कोई एक भी नहीं है। चले आप उनको भेज दीजिएगा, वो मुझसे ज्यादा लर्नेड है, वो आपको जब कह रहे हैं तो बात यह है कि आप अपने लीडर की गलत कामों को इसलिए जस्टिफाई ना करेंगे किसी और से। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले या पालने वाले लोग हैं और ये मुल्क की बर्बादी कर रहे हैं, ये इस टाइप की इमरान खान ने जो बातें की है वो तो डायरेक्ट ये है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा का है। मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप वीडियो जरूर भेजिएगा कहते हैं, लेकिन मियां साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान ने की, इससे करीब भी कोई नहीं की। अब बात यह है कि आपकी टॉप लीडरशिप जब इस तरह की बात करती है तो फिर आप अपने नीचे तमाम लोगों को ये मैसेज दे रहे थे कि तुम भी करो, और ये बेसिकली इंतजार फैलाने वाली बात है कि आग लगाए। अच्छा भाई शानदार साहब, ये फरमाइएगा कि आपने क्या फैसला किया, आप यहां आकर रुकेंगे या एक दिन का लॉन्ग मार्च है, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे और उसके बाद 3 जून को एक और कॉल देंगे, क्या करना चाहते हैं, कोई लायामल आपने तय किया? जब तक इलेक्शन ही अनाउंस होगा बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे साहब। और अगर अगस्त 2023 में जाके इलेक्शन होता है, अगस्त 2023 कहां बैठेंगे? पूरे इतना बड़ा इस्लामाबाद, इतने खूबसूरत पार्क, इतने खूबसूरत सड़कें हैं, बैठेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे आप, जहाँ जगह मिलेगी वहीं जाएंगे ना, हाईवे ब्लॉक करें। तो ये जो डंडों के साथ खड़े हमारे लिए, पहले आप इतराज करते होते थे, आपको याद नहीं जब टीएलपी आया तो टीएलपी के खिलाफ आपने पुलिस भी सवाल की कि ये सड़कें क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक करने पड़ जाते हैं, जब ये लोग कहते थे तो आप उस वक्त भी कहते थे सड़कें ब्लॉक क्यों करते हैं सारे ऐसा। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आपने कहा आगे नहीं आना चाहिए, उनको वहां पे जगह दे, हम पार्क ब्लॉक कर लेंगे, बात खत्म। कौन से पार्क? वही जहाँ मौलाना साहब थे ना, वो पेशावर मोड़ वाला, इतवार बाजार के पीछे वहां बैठेंगे आप, ठीक है? ठीक है, अगर हमने कुछ लोगों को तकलीफ नहीं, अगर ये कोई खून खरेजी कराना, कोई लोगों को उकसाना, कोई आग लगाने वाली हरकतें, कोई इस तरह की बयान वगैरह ना दिए और कोई इस आवाम को नहीं उकसाया, तो जो इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किए, हमने इनको कहाँ रोका, इन्होंने पिशावर में भी किया है, मर्दान में भी किया है, जेलम में किया है, मुल्तान में भी रिसेंटली किया, तो हमने तो इनको नहीं रोका है। तो फिर क्या खतरा है आपको इस्लामाबाद से? देखिए हम इसी टाइप का एक जलसा होगा, यहाँ साहब ने बार बार ये वाली बात बोली है कि खून रेजी हो, शेख रशीद ने बार बार बोली है खून रेजी हो, तो जाहिर है एक इंटेंट तो आ गई है ना कि दे वांट ब्लड, तो वो और ये चाहते हैं इसलिए ताकि डिस्क्रेडिट करें इस गवर्नमेंट को, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसके। अच्छा ये फरमाइए कि इनके आने से पहले आप इनको गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? देखिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये हम देखेंगे। देखें इनके बड़े सीरियस किस्म के करप्शन के जो है मामलात वो सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उनको जो है वो गवर्नमेंट देख रही है। फिर इमरान खान साहब ने आईन के साथ जो पिछले 1.5 महीने में खिलवाड़ किया है, या आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी जो है ये फैसला अदालत ने करना, अदालत ही करेगी, लेकिन रेफरेंस तो कोई और फाइल भी कर सकते हैं ना, ये कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा होने जा रहा, लेकिन हो सकता है कहते हैं। फिर जो है वो ये 117वें नंबर पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के छोड़ के गए थे, जिसको इन्होंने 140वें नंबर पे ले गए, यानी कि 23 मुल्कों से ज्यादा करप्ट हो गया पाकिस्तान इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर। वैसे ये सिलसिला चलता रहा ना आपका 1.5 साल, पता नहीं कहां होगा पाकिस्तान। नहीं लेकिन हमने तो 136वें पे लिया था और 117वें पे छोड़ के गए थे, और ये सादिक और अमीन को 117वें पे दिया था, वो 140वें पे ले गया। अच्छा शानदार से भाई फरमाइए कि ये पिशावर से क्यों आ रहे हैं जी आप? आपका तो वोट बैंक सबसे ज्यादा पंजाब में है, आपको चाहिए था पूरा पंजाब बाहर निकालते हैं और यहाँ ले आते इस्लामाबाद, तो पिशावर क्यों? एक तो खान साहब की एक पर्सनल कुछ दिनों में प्रेफरेंस निकली है, वो देखते हैं कि ज्यादातर जो खान साहब से डिफेक्शन हुई हैं वो या पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान से, केपी से एक लोटा निकला, सो ही फील्स ही ओज इट टू केपी, इट्स ऑनरिंग अस, एंड मैं भी बड़ी खुश हूं, मैं भी चाहती हूं हमारे सूबे ने जितनी कुर्बानी दी है पीटीआई के लिए, हमारी वो रिकग्निशन नहीं थी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी। लेकिन आप जरा नंबर्स देखें, वहां पे केपी के की असेंबली बहुत छोटी है और इस साइड पे पंजाब में आपके एमपीएस इतने ज्यादा और एमएनएस इतने ज्यादा, अगर काफ लीग आपके साथ, अगर ये एमएनएस एमपीएस हर एमपीए हर एमएनए सिर्फ 10,000 लोग भी ले आए तो यहाँ पे 25 लाख लोग हो जाए। नहीं बट पिछली दफा तुम्हारे पास पंजाब से कोई एमएनए था ही नहीं और लाहौर से निकला था, इफ यू रिमेंबर 2014 में, ये डोंट गिव टू मच मीनिंग टू पिशावर एंड लाहौर, फर्क नहीं पड़ता, लाहौर वाले आएंगे सारे आएंगे, देख ले कितने पहुंचते ना, ये तो रस्ते रोकेंगे पहले से, हमें पुरानी वाली शेलिंग तो नहीं भूली गई। वह खत्म हो गया खासद, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं, इमरान रियाज साहब हैं, उसके अलावा समी इब्राहिम साहब हैं, साबर शाकर साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि केसेस बना कौन रहा है और मीडिया से क्या खतरा हो सकता है हुकूमत को। मेरा ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट का कोई इशू है तो गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पे सामने आके इन सब के खिलाफ केस बनाना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो अजनबी लोग, नामालूम लोग जो केस दर्ज करवा देते हैं, वो मेरा ख्याल ये है कि वो मीडिया के साथ ज्यादती है और ये हुकूमत की नेकनामी में इजाफा इस टाइप की चीज़ नहीं करती। तो मीडिया ने आखिर क्या बिगाड़ा है?
अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।